है। तो आप तो इस पोम को अफोर्ड करना मिस नहीं कर सकते सॉरी मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज सिर्फ 20 मिनट में आई प्रोमिस यू कि आपको ये पोम इतने अच्छे तरीके से थॉरो हो जाएगी कि आप इससे रिलेटेड हर क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे फिर भाई किस बात की है जल्दी से वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए तो आपको ऐसे प्यारे प्यारीडियो के रिमाइंडर्स नहीं मिल सकते ना चलिए फिर आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स डिस्कस आर सेशन फ्लो तो बचा पार्टी आज के सेशन में सबसे पहले हम पोम को और उसकी समरी को अच्छे से समझेंगे उसके बाद टूवर्ड्स द एंड हम इसकी थीम को समझेंगे यानी कि फिर इस पोम से आपके पास यू नो एक्सट्रैक्ट बेस शॉर्ट लॉन्ग किसी भी तरीके का क्वेश्चन क्यों ना आए इस पूरी वीडियो को अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ देखकर आप हर एक क्वेश्चन का आंसर कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे ऑलराइट देन मूविंग अहेड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू द पोम एंड डिटेल समरी ऑफ द पोम ऑलराइट भाई, बॉम पोम इस पोम को स्टार्ट करने से पहले ना मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि इसके जो पोर्ट है ना उनका नाम है जॉन बेरिमिन एंड उन्होंने ये पोम कहीं ना कहीं यू नो अपने लिए लिखी थी बिकॉज व्हेन ही वॉज वेरी यंग अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट हिज फादर बिकॉज ही सुसाइडेड उनके पापा ने सुसाइड कर लिया था बाई जंपिंग ऑफ अ ब्रिज तो उस टाइम पर उन्होंने इतना मेजर लॉस गो थ्रू करा था कि उससे इंस्पायर होकर उन्होंने ये पोम को लिखा था तो यहाँ पर वैसे तो हमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक बच्चे को एड्रेस कर रहे हैं बट बहुत लोगों का मानना है कि शायद इस बच्चे को ना उन्होंने बस एक काल्पनिक तरीके से बता बनाया है और वो अपने चाइल्डहुड वाले यू नो फॉर्म को ही एड्रेस कर रहे हैं बिकॉज एक बॉल के जगह जब उन्होंने अपने पापा को खोया था तो वो कितने सारे इमोशन उनके अंदर थे वो उसको इस पोम के थ्रू एक्सप्रेस करना चाहते हैं बॉय नाउ हुए

वो एक बच्चे को देख रहे हैं छोटा सा बच्चा जिसने अपनी बॉल को खो दिया तो बोल रहे हैं वो बच्चा जिसने अपनी बॉल को खो दिया वो क्या है वो क्या करेगा और पूरा का पूरा सीन जो है आ, हमारे पोर्ट ने अपनी आंखों से विटनेस करा है कि कैसे वो बॉल जो है यू नो कूदे कूदे जो है स्ट्रीट के नीचे गई और पानी में चली गई अब यहाँ पर पानी कुट भी हार बर इट कुटबी पॉट बट समवेर इन द वॉटर बॉडी ठीक है उन्होंने जाते हुए देखा कि बॉल उसके अंदर बह गई है और अब बच्चा इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा दुखी है तो डायरेक्टली तो हमें मीनिंग ऐसा लगता है कि जैसे एक छोटा सा बच्चा उसने बॉल खोया है बट इसके अंदर फिलोसफिकली बहुत डीपर मीनिंग है जहां पर वो बता रहे हैं कि जो आप किसी यू नो चीज को लूज करते हो जो आपके दिल के बहुत करीब इट कुड बी लव टू वन इट कुड बी समथिंग वेरी ड्यू टू यूर हार्ट तो आप कौन से इमोशन से गो थ्रू करते हो सो so, उस को खो दिया है बॉल तो वहां से चली गई है बॉल तो बड़े प्यार से कूदते कूदते ऐसा लग रहा था बड़ी खुशी खुशी स्ट्रीट से नीचे कूद रही थी और वॉटर के अंदर गिर के वहां से खो चुकी है मूविंग है नो यूज से ओ देर आर अदर बॉल्स एज

ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट कि ऐसा लग रहा है जैसे उस बच्चे की ना बॉल नहीं गई है बट उसके बचपन के दिन भी साथ साथ चले गए हो ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं बॉयज लॉस्ट चाइल्ड हुड बिकॉज बच्चे ने अपना इतने सारे मेमोरीज इतना ज्यादा चाइल्डहुड का वक्त उसके साथ बिताया है कि शायद उसका बचपना भी जैसे उससे छीन गया हो आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम इंट्रूड मतलब है disturb ये भी काफी एम्प्लॉयड इंपॉर्टेंट लाइन है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये क्यों बोला जा रहा है कि पोर् जो है उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा क्यों क्योंकि पोर् चाहता है कि बच्चा अपने आप खुद से रियलाइज करे ठीक है कि जो उसने अभी लूज करा है जो वो भी फील कर रहा है उससे वो कैसे ओवरकम कर सकता है बिकॉज़ सेल्फ रियलाइजेशन से बढ़िया कुछ नहीं हो और पैसे दे दो कि दूसरी बॉल ले आओ, ये सब काम की बातें नहीं है फिजूल की बातें हैं एंड सेंसेस हैज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और अब बच्चा अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी रियालाइज कर रहा है क्यों बिकॉज नाउ इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम के बच्चे को ऐसा दिख रहा है कि दुनिया जो है अच्छी नहीं होती देर आर लॉट ऑफ क्रूल एंड सैड थिंग्स आउट देर इन दर्ल्ड एंड उस टाइम पे उन इमोशन से उन सिचुएशन से आपको खुद ही को बाहर निकालना होता है कोई और आपकी उसमें हेल्प नहीं कर सकता सो इज नो बेनिफिट ऑफ कंसोलिंग द बॉय क्यों क्योंकि भाई ये दूसरी बॉल उसका कोई फायदा नहीं है बिकॉज बॉल से उसका बहुत अटैचमेंट है एंड जो बॉय है वो बहुत सैड फील कर रहा है इज सराउंडेड मेमोरीज है चाइल्डहुड की वो भी कहीं ना कहीं अब बॉल के साथ चली गई है और लॉस ऐसा है कि बच्चे के लिए बहुत अनबेरेबल हो चुका है एंड ग्रीव स्ट्राइक इन स्टेट यानी कि दुख से पूरा भरा पड़ा है नेक्स्ट द पोअ कैनॉट टेल द बॉय कि तुम थोड़े पैसे लेकर नई बॉल ले आओ क्योंकि जो न्यू बॉल है वो उसकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं लाएंगी वो मेमोरीज नहीं लाएंगे जो पुरानी बॉल के साथ हैं और जो टाइम है वो आ चुका है बच्चे के लिए कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिलाइज करे ठीक है कि कैसे उसे अपनी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है एंड देर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स इन लाइफ जब आप कुछ लूज करोगे एंड यू वुड नॉट बी एबल टू गेट इट बैक मूविंग अहेड

दुनिया में तो ये सब कुछ चलता ही रहता है एंड नोवन अ बॉल बैक और उस दुनिया में ऐसा नहीं होता कि आप जाके नई बॉल खरीद कर ले आओगे बिकॉज इमोशन बिकॉज जो आपकी मेमोरीज है वो सब कुछ वापस नहीं आ सकते मनी इज एक्सटर्नल ये भी काफी इंपॉर्टेंट लाइन है यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा पोर्ट ये क्यों बोल रहा है कि मनी एक्सटर्नल है बिकॉज मनी कैन ओनली बाय यू द मटीरियलिस्टिक थिंग्स इट के नॉट बाई यू द इमोशंस इट के नॉट बाई यू द इमोशंस दैट वर अटैच विद दो हर चीज आप क्योंकि पैसे से नहीं खरीद सकते तो सब कुछ फिजूल की बातें हैं He is learning. Well behind his desperate आइज आइज को डेस्परेट क्यों बोला गया है बिकॉज अभी बच्चा बहुत ज्यादा दुखी है और इस चीज के लिए डेस्परेट है कि अब उस उसकी बॉल वापस मिल जाए किसी तरह तो उस टाइम पे बच्चा लर्न कर रहा है सीख रहा है अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन कि कैसे दुनिया में हर चीज उससे छिन सकती है दी एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस एपिस्टेमोलॉजी का मतलब है नॉलेज ऑफ लॉस बच्चे को पता चल रहा है कि लॉस कैसा होता है एंड हाउ यू नीड टू स्टैंड अप आफ्टर फेसिंग अ लॉस कि कैसे हर चीज को जब आप खोते हो इट कुड बी अ लव टू वन इट कुड बी एनी थिंग दैट यू लव डियरली तो उसके बाद आपको कैसे उससे मूव ऑन करना पड़ता है कैसे उस चीज के दुख के बियॉन्ड आपको स्टैंड अप करना पड़ता है बिकॉज लाइफ मूवस ऑन एंड इट डज नॉट स्टॉप्स फॉर एनी वन राइट सो भाई बॉय क्या कर रहा है वो लर्न कर रहा है मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड जहां पे हर आप खोते हो और जो बॉय करने के बावजूद you know, नहीं बाय कर सकता एट द सेम टाइमिंग कैसे उसे यू you नो know, अपनी लॉस्ट थिंग्स के बावजूद वो एक्सपीरियंस फील करने के बावजूद उसे खुद खड़ा होना पड़ेगा खुद उन चीजों को ओवरकम करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं जो हमारा पोर्ट है वो खुद के चाइल्डहुड वाले फॉर्म से बात कर रहा है कि उन्होंने भी अपने फादर को एक बहुत ही अर्ली एज में खो दिया था बट लूजिंग अ फादर इज अ बिग डील इट्स अ बिग बिग टाइम डील इट्स नॉट एज स्मॉल एज लूजिंग अ बो और स्टिल उन्हें उस इमोशन से ओवरकम करना पड़ा अभी उनको भी अपनी लाइफ जीनी पड़ रही है नो no मैटर वो अंदर से चाहे कितना भी दुखी क्यों ना हो सो so, डायरेक्टली तो ऐसा लग रहा है जैसे वो एक बच्चे से बात कर रहे हैं बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अपने चाइल्डहुड फॉर्म से बात कर रहे हैं ऑलराइट right, बच्चा फिर जो बॉय है इट इज ट्राइंग टू लर्न द रियल

ओम का और द सर्मन एट बनारस का जो म्यूचुअल थीम है ना वो लॉस है इसलिए आपके लिए ना इन दोनों टॉपिक्स को कंपेयर करने के लिए भी पूछा जा सकता है पिछली बार बोर्ड्स का ही रादर फेवरेट क्वेश्चन था बोर्ड के हर सेट में हर क्वेश्चन पेपर में इन दोनों का कंपैरिजन या तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में पूछा गया था तो उसको प्लीज जरूर करके जाना बल्कि हमारे YouTube चैनल पे शॉर्ट भी है इसके रिकॉर्डिंग या फिर मैंने ना मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपैरिजन में भी ये क्वेश्चन डिस्कस करा हुआ है एक अलग से हमारा सेशन था जहां पे मैंने यू नो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस करे थे आप उसे सर्च कर सकते हैं YouTube पे आपके सामने आ जाएगा एंड फ्रॉम देयर यू कैन एक्चुअली यू नो लर्न अबाउट ऑल द चैप्टर्स ऑल द कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर स्केचेस जो आपको कंपेयर करने के लिए पूछे जा सकते हैं सो भाई दैट्स ऑल अबाउट द पोम बस इतनी सी पोम थी अब हम थीम की बात करते हैं सो so, पोम की थीम क्या है इट्स अबाउट लॉस चाइल्डहुड इट्स अबाउट करताइल्डुड लूज करता है वो कितना उस चीज से ज्यादा दुखी होता है बिकॉज ही इज गोइंग थ्रूस ही लॉस्ट हेज इनोसेंस एट द सेम टाइम बिकॉज नाउ ही नोज अबाउट दी हार्श रियालिटी ऑफ लाइफ की लाइफ में हर कुछ अच्छा नहीं होता है हमें लाइफ में बहुत बहुत डिफिकल्टी भी फेस करने पड़ते हैं एंड नोस्टालिया इज बेसिकली फॉर द पोर्ट ओवर हेयर जिन्हें अपना वो पीरियड याद आ रहा है जब उन्होंने अपने फादर को लूज करा था क्योंकि आपने एक नॉन ह्यूमन थिंग को दिया है इसलिए Always, यहां पर एक direct comparison करा गया है का loved ones and things के साथ कि आपको लाइफ में जिससे भी प्यार होता है कभी ना कभी आप उनको लूज करते ही करते हो मेटाफोर साथ ही साथ पूरी पोम में भी जो है बॉलिक एक सिंबोलिकल मीनिंग यू you नो know, प्ले कर रही है जो हम आगे सीखेंगे

जैसे इज अ बॉल बैक में बर्स आउंड फिर द डीप एंड डार्क फ्लोर में डर्स आउंड मूव माय माइंड एंड माय हार्ट मूव विद ऑल दैट मूव मी ये आपके उसमें नहीं है ये पोम एक्चुअली अधूरी है आपके लिए इसके आगे भी extended version है, जो आपके में नहीं है तो वहां पर ही आता है 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 उसमें भी alliteration है क्योंकि consonant sound जो रिपीट हो रही है बिगनिंग ऑफ द नेबरिंग वर्ड्स में फिर इंजाममेंट क्या होता है जब आप सेम सेंटेंस को मल्टीपल लाइन में कंटिन्यू करते हो बट आप एक लाइन से दूसरी लाइन पे जब जम्प करते हो तो आप कोई भी कॉमा या किसी पंचुएशन मार्क का यूज नहीं करते फॉर एग्जाम्पल आई सॉ इट गो मेरेली डाउन द स्ट्रीट ये दो लाइन्स में बटा हुआ है सेम सेंटेंस बट इनके बीच में कहीं पर भी कुछ कॉमा वगैरह यूज नहीं हुआ है, तो इंजाम में ट्रांसपर्ट एपेड यूज हुआ है ट्रांसफोर्ट एपेथेड बेटा क्या होता है जब आप बेसिकली ना जिस नाउन के सामने का कर रहे हो वो उस नाउन को डिस्क्राइब ना करके किसी और दूसरे नाउन को डिस्क्राइब करता है For example, यहाँ पे हमने के सामने का इस्तेमाल करा करा है। है है। नहीं तो तो वो बच्चा है जिसने अपनी बॉल को लूज करा है। तो ये को ये डिस्क्राइब ना करके बच्चे को डिस्क्राइब कर रहा है सो इट इज ट्रांसवर्ड एवथ मूविंग अहेड सिंबलिज्म सिम्बॉलिज्म जब कोई चीज अपने डिक्शनरी वाले मीनिंग से हटके कोई बड़ा मीनिंग रिप्रेजेंट करती है जैसे बॉल चाइल्डहुड पोजेशन इवन पापा पोर्ट के फादर को रिप्रेजेंट करती है जैसे मैंने आपको बताया ठीक है क्योंकि बच्चे ने जो है बॉल लूज करी उसी तरीके से पोर्ट ने अपने फादर को लूज करा था फिर अपोस्ट्रोफी पोस्ट्रोफी कब यूज होती है जब आप किसी ऐसे इंसान से बात करो जो आपके सामने है ही नहीं और हु इज नॉट गो रिस्पॉन्ड बैक टू यू जैसे पोर्ट थ्रू आउट दी पोम एक बच्चे से बात कर रहा है बट वो बच्चा वहां पर है या नहीं हम बता नहीं सकते वो बच्चा जो है सुन भी नहीं सकता पोर्ट को उसे रिप्लाई भी नहीं कर है तो एब्सेंट ऑडियंस से बात हो रही है दैट इज व्हाई हेयर इज अ राइम स्कीम कोई है ही नहीं पोम की कोई वर्ड्स आपस में राइम नहीं कर रहे तो फ्री वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है सो so, बेटा दैट्स ऑल अबाउट द पोम देखो सारी की सारी पोम हमने कवर भी कर ली एंड आई थिंक 20 मिनट हुए भी नहीं होंगे तो बच्चा पार्टी ठीक है आई होप आपको ये पोम थरो होयो बट अभी रुक जाओ देखो ये हमारे इस हफ्ते का स्केड्यूल है आपने अगर इसमें से कोई भी सेशन मिस आउट करा है स्पेशली जो हमारी फ्राइडे को NCRT की मैराथन हुई थी और सब्जेक्ट एग्रीमेंट पे एक बड़ा ही प्यारा क्विज हुआ था जहाँ पे हमने टॉप ट्वेंटी एमसी करे थे तो जाकर देख लेना मैराथन में हमने मैडम राइट्स थी बस हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स फिर आई थिंक द बॉल तो एनसीआर टी से वर्ड टू वर्ड समझा था उसके अलावा द करा था सो प्लीज को चेक आउट दैट सेशन वहां पे हमने एनसीआर के सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करे हैं एंड आल्सो आई हैव वन मोर सरप्राइज फॉर यू भाई ये क्या हो रहा है व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर हां भाई आपके फेवरेट टीचर्स आप लोगों से मिलने आ रहे हैं फेस टू फेस अभिषेक सर विनय सर हर्षु बाबा आप सबसे मिलने आ रहे हैं क्यों क्योंकि वेदांतु स्टार्ट कर रहा है अपने ऑफलाइन सेंटर्स इंडिया की तीन सिटीज में अब कौन सी है ये तीन सिटीज बैंगलोर पुणे एंड दिल्ली और इन तीनों सिटीज में आपके ये प्यारे प्यारे तीन मास्टर टीचर्स आपसे मिलने आएंगे अब अगर आपको भी इनसे मिलना है ना तो आपको कुछ नहीं करना है जिस डेट पर ये आ रहे हैं आपको उस डेट पे गिवन इवेंट पे प्रेजेंट होना पड़ेगा तो कौन, सी -कौन सी से कौन से डेट्स हैं पहले तो वो नोट डाउन कर लो ठीक है आपके मास्टर टीचर्स बैंगलोर में इवेंट कर रहे हैं ट्वेंटी ऑफ अक्टूबर को उसके बाद पुणे में आ रहे हैं ट्वेंटी ऑफ अक्टूबर को और आपके लिए दिल्ली में मिलने आ रहे हैं फोर्थ और फिफ्थ ऑफ नवंबर को तो अगर आपको भी इनसे मिलना है इवेंट जानना है तो उसके लिए आपको एक इन्विटेशन की जरूरत पड़ेगी बिना इन्विटेशन बिना सीट्स रिजर्व करें आपको एंट्री नहीं मिलेगी और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक गिवन है जहां से आप अपना इन्विटेशन पा सकते हो और अपने फेवरेट मास्टर टीचर से फेस टू फेस मिल सकते हो सो वॉट आर यू वेटिंग फॉर जल्दी जल्दी लिंक भरो भाई आर लिमिटेड सीट्स अवेलेबल सो ऑल राइट गाइज दैट्स इट एंड अगर आपको ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस के रिमाइंडर्स बीटीएस पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक ये रहा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जॉइनर कम्युनिटी ओवर दियर और ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल इफ एनी ऑफ यू टू रीच आउट टू मी पर्सनली ऑल्सो लेट मी टेल्यू इंग्लिश का एक शॉर्ट चैनल भी है जहां हर हफ्ते आई पुट अपू हेल्प यू विद ग्रामर वो कैबलरी और वहां मैं सिक्सटी से हर चैप्टर और पोम को कवर भी कर रही हूँ सो so भाई उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गो चेक इट आउट एंड इफ यू एंजॉय दिस वीडियो Hit the like button. Do not forget to share it with your friends. Subscribe to the channel if you haven't done yet. Bye bye guys. Hasta la vista. Firmina inge. Bye bye.